अच्छा जी, तो महारानी रोटियां बनाएगी, आज मैं चखाऊंगी इसे मजा। अरे ओ महारानी, नियार गेरिया ढोरो को कभी अभी रोटियां ही बनवाऊं। आई बड़े भारी, कितनी घैन तेरे कान पे जूना चलती। तुम ही डालियो, मुझे ना पता। जवान लड़ा रही है दो दिन की आई हुई हमसे। देख ना रा, आटा ना लगा रही मैं। और बहस कर रही है, चुप चली है नियार गेरने ढोरो को। मुझसे नहीं गिर रहा नियार गेर, ज्यादा जवान जोड़ी मत करो मेरे से। हाँ, कैसे जवान लड़ा रही है दो दिन की आई हुई। आन दे आज, उसे ही देखूंगी तेरे गुलाब। मैं क्या डरूं किसी से, बुला लो। हाँ वो तो हमें पता, ना डरती है तू किसी से भी, बहुत हो गई तेरी तू तू। अब ऐसा है, जाके नियार डाल दे। जा रही है, पिटेगी अभी। हाँ जा रही हूँ अभी, वरना पीछे ही पड़ी रहोगी। और क्या ना, जब देखो पीछे ही पड़ी रहती है, कल मुंह ही कहीं की। मेरे पीछे ही पड़ी रहती है, काम की न धाम की, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, हरामखोर कहीं की। खुद तो बंठन के पड़ी रहती है घर में, जब देख मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। आटा लगाओ, कभी कुछ करो कभी कुछ करो, पता नहीं कैसे गमाल लोगों से पल्ला पड़ गया मेरा। अब यहाँ भेज दिया मुझे, ढोरों को नियार डालने, अब यहाँ इनको नियार डालो। की, जब देख बोलती रहे वे। क्या कह रही है महारानी? क्या है, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है तुम? अभी मैं नियार डाल के आई हूँ। अच्छा जी, नियार डाल के आई है, गोबर तो फेंक के ना आई होगी तू। सारा काम करके आई हूँ मैं, खुद तो तुम लिपस्टिक बिंदी लगा रहे, पूरे दिन टिकटॉक बन के रहो। कैसे तू तो लगाती ना होगी, तू तो बहुत सती सावित्री है। जाके पानी पिलाइए ढोरों को, कभी ज्यादा जवान चलवाऊ अन्नी है, मसल दूंगी अभी। मसल के दिखाइयो अभी। ऐसा है, ज्यादा जवान जोरी तो करे मत ना, इस कान सुन या इस कान सुन, ढोरों को पानी तू ही पिलाएगी। मुझसे ना पिलाया जा रहा पानी वानी, अभी तो मैं नियार डाल गई हूं। पानी भी तू ही पिलाएगी, छोटी है छोटी बन के रह ले, दादी ना बन मेरी। अच्छा, ढोरों को पानी बाद में पिला दूंगी, पहले मैं खाना बना लूं। बाद में खाना बना लियो, सारे ढोर प्यासे खड़े हैं। तो तुम भी तो पिला सको वहाँ जाके। जवान तो बतेर चल रही है, इतनी देर में तो पिला भी आती, पर नहीं, खुद तो जवान जोरी करेगी ना मुझसे, सास बनेगी मेरी। चल ठीक है, चैन से रहने थोड़ी ना देगी, पता ना कैसे खानदान की है। सास बन रही है हमारी दो दिन की आई हुई, नंगे भूखों में पड़ी हुई हो।
मम्मी यहाँ को बैठ। देख तेरी चाची के रूम में ना उसके कपड़े रखे होंगे, जाके बाल्टी में डालिया। अरे ये क्या कर रहा है तू? अभी बताऊंगी तुझे। रामजादे ने सारे मेरे कपड़े भिजो दिए, ऐसी महतारी है, ऐसे छोरा हो गया। करूंगी तेरी महतारी से शिकायत, ऐसी महतारी है 24 घंटा मेरे पीछे पड़ी रहे। वे डालिया या, बहुत बढ़िया मेरे बेटे, अब आएगा मजा मेरे शौक को, बहुत जवान जोरी कराया वो मुझसे। देखिए समझा लियो अपने इस छोरा है, सारे कपड़े ने भिजोया है मेरे ने, ऊपर से मेरी तरफ को मुंह और बना के दिखा रहा था, ऐसे में वैसे ही कपड़े ले सूख रहे। ज्यादा बोल रही है, तुझे शर्म ना आ रही मेरे छोरे को बदनाम करते हुए? पूछ लो इससे ही, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। टिक्की तू डाल के आया? ना मम्मी ये झूठ बोल रही है, मैं डाल के आया। नहीं तू डाल के थोड़ी नहीं आया। ऐसा है लोंडे पे को चिल्लावे मत, मना कर रही हूँ ना चिल्लावे करके। मुझे पता है बहुत जवान चिल्लाने लगी है तू, जलती है मेरे बालकों से। हाँ क्योंकि ज्यादा सुंदर पैदा करा ना तूने। और क्या ना, देख ले कतई ताज है। दादा फालतू बोल रही है। मेरे से फालतू मत बोलो दोनों, अभी तो एक विलान का वरना सुधार दूंगी इसे। ज्यादा फालतू मत बोले, एक गाड़ी क्या ले आई, हमारे सर पे चढ़ के नाच ले ले। मेरे बाप ने एक गाड़ी तो दे दी, तू तो यूं ही आ गई थैला उठा के, तू तो कुछ लाई भी ना। और तुझे तो कोई पूछ भी ना रहा, वो तो हमारे देवर की मत मारी गई जो तुझे देखने चले गए। अच्छा तू भी तो गई संग में, तू क्या गई नहीं थी? मेरे से फालतू बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ढंग में अगर उसी दिन देख लेती ना तो वही कट्टम का निशान लगाई जाती तेरे बाप के सामने। अच्छा इतनी औकात है तुम्हारी? और क्या औकात, तो मैं जाइए मुँह मसल दूंगी। मिसल के दिखाइयो, बहुत दिन हो गए तुझे देखते देखते। रुक जा अभी बुला रही हूँ तेरे गुलाम को फोन करके। मेरे क्यों बुला रही हो, सबने मजनू बुला ले जो चुपटा रहे तेरे से 24 घंटा। ये कितनी फालतू ना बोल रही है टिक्की। फालतू बोल रही है। रुक जा तुझे तो शाम को देख लूंगी, आइयो तू सब्जी लेने घर। हेलो। हाँ हेलो भाभी जी। कहाँ हो अभी के अभी घर पे आओ, यो मुझोर मुझोरी कर रही है मुझसे। बस अभी आ रही हूँ, रुक जाओ। हाँ जल्दी आओ अभी, यानी छोड़ दो। मेरे क्यों बुलावे, अपने बुला। ठीक है आ रही हूँ। आ रहे दोनों, टेंशन मत ले, अभी आज का फैसला हो गई रहेगा, बुला ले। हाँ होगा आज फैसला। अरे भी क्या बात है, कैसे दिमाग खराब कर रखा? बात क्या होती, पहले यहाँ को बैठो जब बताऊंगी। चल बेटी टिक्की तू जाके खेल जा। अबे तुम्हारे झगड़े खत्म न होते इस घर के। झगड़े बता रहे हो, झगड़े हुआ तो होगा कुछ। हुआ है बताएंगे, इसे इसी दिन के लिए लाए, मुझसे जवान लड़ाएगी। हम दोनों भाई ना, कितने प्यार से रहे हमें, तुम दोनों से नहीं रिया जाते एक साथ? समझा लियो इसे, रोज रोज लड़े मेरे से, और तुम्हारा लड़का भी ऐसे ही कर रहा है पीछे। लड़के को कुछ मत कही या नहीं है। अरे होया क्या, बात तो बता, बात तो कलम दो। तुम भी गुलाम बने रहो भाभी के, मेरी तरफ तो कुछ करते नहीं हो, ये कितना परेशान कर रहा है मुझे माँ बेटा। अरे दुनिया का चूल्हों की आग बंद हो जाएगी, पर तुम्हारी लड़ाई खत्म ना होने की है। लड़ाई चूल्हे की तो है, कुछ तो हुआ होगा। कुछ क्या होता, खाना बना रही थी मैंने, कहे ढोरों को नियार डालिया, पर नहीं जवान जोरी करेगी मुझसे। नियार भी डाल के आई, पानी भी पिलाया, इसने क्या करा पूछो इससे, बताइए जरा। ऑर्डर चलाती रहे, रोटी सेक रही थी तो पानी तू पहले। हाथ भी नहीं धुले मेरे, देखो ऑर्डर चलाती रहे, सारे दिन फोन चलाती रहे, पता ना कौन से मजनू से बात कर रहे हैं। ज्यादा फालतू मत बोलिए, कभी दादी बनती देखिए। अरे अगर तुमसे ना रहा जाता साजे में तो अलग अलग हो जाओ, एक चूल्हे की जगह दो चूल्हे कर लो, पर घर में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अरे भैया तुम कैसी बात कर रहे हो, हम ना रह रहे एक साथ, दो चूल्हे कैसा कर लो। देख भी राकेश ऐसा है, अगर इन दोनों में ना बने तो अलग अलग हो जाओ, और तू और मैं तो सबको पता पहले भी एक ही थे और आगे को भी एक ही रहेंगे। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे अंदर दिमाग है या ना है? सही कह रहे देवर जी, इसको समझाओ भाई। एक परिवार एक ही परिवार होता है, दो चूल्हे हो जाएंगे, पड़ोसन भी आएगा, पता ना क्या क्या सुना जाएंगी। अरे भैया ना तो यू कम है ना यू कम है। ठीक है रह लूंगी साजी मैं, दोनों टाइम का खाना ये बनाएगी, ढोरों का मैं करूंगी। लो बस, जब अलग अलग रहेंगे तो अपना अपना काम करेंगी, चाहे दोपहर को रोटी बनाओ चाहे यू बनाओ, सही बात है ना। दूध ना देने क्यों, बिल्कुल भी। एक गिलास दूध में क्या हो गया भाई, इनका भी चाय बन जागरेगी। तुम मत बोल दीजिए कुछ भी। अरे मैं क्या बोलूं, आपस में तुम दोनों भतेरी लड़ती रहो, मुझे तो कुछ पता चलना रहा तुम्हारी लड़ाई का। और सुन लो इसकी, टीका राम की ममटी पे जो लग रहा ना डिंगारा, उसको छेड़ दिया, देख लो काट भी लिया मेरे। अरे ये तो असलियत में काट रखा, तेरे तो बाहू भी सूज गई। अरे बाहू, अरे ममता ये बिल्कुल शर्म नहीं है ना, ममता रखा दिल में ममता है ना बिल्कुल भी। अच्छा सारी गलती मेरी ही बताओगे, जब मैं चूल्हे में आग जला रही तोड़गी वो, मुझे क्या पता वो इससे चिपटी जाएंगी।
देख भाई राकेश तू समझा मैं तो हो गया परेशान। तू भी कम बोलेगा ठीक है, ये तेरी जिठानी है बड़ी आगे समझ में, और ये तेरे जेठ है। तुम तो फालतू बोलियो ही मत ना मेरे से, इन दोनों के गुलाम बने पड़े हो। हाँ मैं तेनों गुलाम हूँ, इन्होंने पाला पोसा तो है ना मुझे। धमकी दे रही हमारे देवर को, जाना फालतू मत मेरा बस तू भी ज्यादा बोल रही है। अरे चुप हो जा, बकवास करे जा रही है। अरे ममता तू भी ना हो नहीं चुप है। अरे बकवास कर रखी है क्या भैया।